नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन मलाई की बर्फी। इसे बनाने का तरीका देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे 2 कटोरी बेसन, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेसन है, और 1 कप मैं मलाई ली हूँ। मलाई घर की ताज़ी फ्रेश मलाई है, घर में खुद से निकाला हुआ मलाई है ये। तो बस इसी मलाई को डालकर आप इसे अच्छे से एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसमें 3-4 टेबल स्पून घी डाल के भी इसे अच्छे से मल के एक सॉफ्ट डो बनाऊंगी। घी डालते हुए इधर नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें घी ज़रूर डालें, 4 टेबल स्पून डालें और इसे एक सॉफ्ट डो की तरह बनाएं, आटे की तरह मल के इसे गूथे। ये बर्फी बहुत ही स्वाद बनने वाली है। बस यहाँ पे देखिए, ये डो तैयार हो गया है। इस डो को आप ढक के आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे रखने से ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। बेसन और मलाई घी आपस में फूल जाएंगे, जिससे और भी स्वादिष्ट बर्फी बनेगी। अब अगले स्टेप में मैं इसमें गैस पर कढ़ाई गरम करके मैं उसमें 4 टेबल स्पून घी फिर से डाली हूँ, और उसके बाद मैं इस डो को इसमें डालती हूँ। बस इतना ही घी से ये बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप एक बार इसे बना के जरे, इसका स्वाद फिर से कम नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैं इसे मीडियम गैस करके करीब 20 मिनट तक इसे भूनूंगी। 20-25 मिनट आप इसे अच्छे से चलाते हुए भूने। भूनते टाइम आपको पता लग जाएगा, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और ये थोड़ा सा कलर इसका देख रहे हैं आप, बहुत सुनहरा सा कलर बन गया है और भुरभुरा सा हो गया है। इसी टाइम इसे हम गैस में से उतार देंगे, और बस इसी कढ़ाई में फिर मैं अगला स्टेप करूंगी। देखिए कितना अच्छा सा ये भून के तैयार हुआ है बेसन। अब बस इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे के लिए 2 कप चीनी लो। आप ये मेजरमेंट रखेंगे, अच्छा ही बर्फी तैयार होगा। और 1 कटोरी में पानी इसमें डाल दी हूँ। तो बस इतना से ये अच्छा बन के तैयार होगा, और चीनी घुलने तक इसे बस चलाना है, अच्छे से चीनी घुल जाए। चीनी जब तक घुल रहा है, मैं एक प्लेट को ग्रीस कर ले रही हूँ। बस ये चीनी घुल रहा है, 1-2 मिनट में ही चीनी घुल जाएगी अच्छे से। उसके बाद ही इसमें डाल देना है भुना हुआ बेसन। तो बस यहाँ पे मैं बेसन इसमें डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद आप मीडियम गैस पे इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए करीब 10-12 मिनट फिर पकाएं। 10-12 मिनट में ही ये अच्छे से इसमें पक के और बर्फी जमने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जमने के लिए रेडी हो रहा है। बस इसको जमने के लिए देखने के लिए आप थोड़ा सा इसे साइड से देख लें, पता लग जाएगा ये थोड़ा थोड़ा वाइट होना शुरू होगा। इसी टाइम आप इसे गैस से उतारेंगे। तो इधर साइड में आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है। बस इस टाइम गैस बंद करें और इसे प्लेट में निकाल के आप फैला लें। आप इसे पतला मोटा जिस टाइप का बर्फी चाहते हैं ना, आप फैला लें। मैं इसमें प्लेट में ज़्यादा नहीं, पतला सा ही फैलाई हूँ। बस हो गया है ये बर्फी, अच्छे से फैला के दबा के इसे और चिकना कर ले। इसी टाइम आप इस पर चाहे तो ड्राई फ्रूट भी फैला के दबा सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल के अच्छे से फैला दी हूँ। अब बस इसे अपने मनपसंद शेप में मैं इसे काट लूँगी, और बर्फी तैयार हो गई। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी ये आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर अगली रेसिपी लेकर मिलते हैं।